एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और मैं शूट कर रही हूँ अपना वीकेंड व्लॉग। बहुत सारे प्लान है आज के, आई एम श्योर आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखते हैं क्या क्या प्लान हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सही रहा सब कुछ तो आज एक अच्छी सी शॉपिंग भी होने वाली है, कुछ टेस्टी बनने भी वाला है, इन शॉर्ट बहुत कुछ होने वाला है। पर उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन में दिन की शुरुआत करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। पर नाश्ता बनाने से पहले मैं पीने जा रही हूँ अपना हेल्थ ड्रिंक जो है एप्पल साइडर विनेगर। तो ये है वाओ लाइफ साइंस का एप्पल साइडर विनेगर जो आता है मदर विनेगर के साथ में। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। मैं इसे एम्प्टी स्टमक में लेती हूं, इससे आपका एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट हो जाता है, या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में इसे मिलाइए, उसके बाद स्ट्रॉ से आप इसे पी लीजिए। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है। स्किन में अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती हो तो इसे थोड़े से पानी में मिला करके, यानी कि आपको इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है कॉटन में, उसके बाद में डैप करना है अपने स्किन पे, 5 मिनट रख के फेस वॉश कर लेना है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो तो इसे अपने बालों पे डैप कर लीजिए शैम्पू करने से 15 से 20 मिनट पहले। तो अच्छे से स्कैल्प में डैप कर लेना है इसको डाइल्यूट करके अगेन, उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपकी एरिया फट रही है, ये मल्टीपर्पज है, अगर आपकी एरिया फट रही है तो आप लीजिए एक छोटा सा टब, उसमें डालिए एप्पल साइडर विनेगर, उसमें पैर को अपने डिप करिए 5 मिनट के लिए, बाद में पैर को अच्छे से स्क्रब करके धो लीजिए। आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। सारी बीमारियों की ये रामबाण इलाज है। काफी सालों से मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज कर रही हूँ और अभी पिछले 2.5 सालों से तो मैं वाओ का ही यूज कर रही हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रॉ है ये, अनफिल्टर्ड है और अनपास्चराइज्ड है, तो बिल्कुल प्योर मिलने वाला है आपको। एनीवेज तो अगर आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, जरूर इसे परचेस करिए और अपने डेली रूटीन में इसे ऐड करिए। ले लिया है और ये डिक्की में फिट ही नहीं आ रहा था, ये ऐसे दब जा रहा था, तो मैंने इसको आगे की तरफ रख लिया है। अभी देखते हैं इसको अच्छे से ग्रो करेंगे। मैंने कभी भी पहले फ्रूट वाला प्लांट नहीं रखा है घर पे, तो ये मेरा फर्स्ट होने वाला है। 15 मिनट्स लेटर, ये कबूतर देखिए आकर के हमारे बालकनी में फंस गया है। अब हर तरफ से तो नेट लगा हुआ है, ये इधर से आया है, यहाँ से ना थोड़ा सा उठ गया है ये, और यहाँ से ये घुस गया होगा कल। अभी मैं बालकनी में आई हूँ पौधे को पानी देने के लिए, तो ये बेचारा मुझे दिख रहा है। अब करे क्या, इसको निकाले कैसे? अंदर घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, उसको तो हमको देख के डर लग रहा है, उसको और ज्यादा, हमसे ज्यादा वो डर रहा है बेचारा। ओ ओ, अब ये कितना दिन तक रहेगा? खोलता हूँ उसका धीरे धीरे करके, मैं नेट खोलता हूँ। कौन सा, ये वाला नेट? हुक सबसे खोलता हूँ, देखो। मतलब खोल के निकालोगे उसको? अरे बेचारा कहाँ गया? हो रहा वहाँ पे सीट के पास पीछे। हेलो, ओ ओ, नहीं 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 नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं। रुको मैं करता हूँ। कर दो ना, तो निकाल दो। हाँ, मैं यहीं से खोल रहा हूँ। जाओ ना, कुछ नहीं करेगा वो। नहीं, मेरे को डर लगता है, नोट ना दिया तो उसको कैसे चलेगा पता, हमने कहाँ से खोला? अरे, ही विल कीप ऑन ट्राइंग ना, समवेयर ही विल फाइंड अ वे। करो करो, कोई नहीं। उधर घूम रहा है, साइकिल के पीछे है छुपा हुआ बेचारा, उसको दिखेगा। वो ट्राई तो कर रहा है पर वो गलत जगह से ट्राई कर रहा है जाने की, है ना। जाओ 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 जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, अच्छा खासा हो गया। यहाँ पे हमने पानी रख दिया है, अगर उसको पानी पीना हो तो पानी पी लेगी, और फिर जब भी उसको ख्याल में आएगा यहाँ से निकल जाएगी। देखते हैं,
बंद कर देते हैं, वरना हमारे वजह से ना और नहीं आएगी वो डर डर के। आप लोगों में से किन किन लोगों ने ये वाला फ्रूट खाया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही ये वाला ट्राई किया तो अंगद लेकर के आया था और ये मुझे बहुत टेस्टी लगा। बाहर निकलने से पहले मैं सांभर बना करके जा रही हूँ। तो आपने ब्लॉग की शुरुआत में देखा कि हम एक अलग ही मुसीबत में फंस गए हैं और उसका निदान अभी तक नहीं मिला है। कबूतर अभी भी वहीं फंसा हुआ है। अंगद ने बहुत ट्राई किया लेकिन हमें निकलना था काम से बाहर, इसीलिए ज्यादा ट्राई कर नहीं सकते हैं। अभी दो तरफ से खोल दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि वो और उसका एक साथी मिल करके हमारा नेट काट रहा है, मतलब लिटरली वो लोग चूच दबा दबा के काटना चाह रहे हैं। अब अगर वो काट देगा ना तो पूरा वो वेस्ट हो जाएगा वो एरिया, इसलिए खोल के रखा है, पर जो खोल के रखा है वो उनको दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक अलग मुसीबत हो गई है, पता नहीं कैसे। मुझे क्या लगता है ना, वो जो ऊपर कैसे गया है, एक्चुअली कपड़े का रॉड है ना ऊपर, तो उसको ऊपर करने के चक्कर में ना, जब मैं ये पौधा लेकर आई तो ऊपर किया मैंने सारे रॉड को, मुझे लग रहा है वो जो रॉड है ना वो नेट से होते हुए गया है, जानते हो, फंस गया है, उसने उसको उठा दिया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पौधा रखा है, ये उठाया है और ये फंस गया है करके, अभी तक नहीं फंस रहा था। तो वैसा कुछ हुआ है, देखते हैं क्या करेंगे। अंगद कह रहा है कि कुछ नहीं होगा ना तो मैं हाथ से पकड़ लूंगा, अभी कैसे। अभी के लिए तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो भी पैनिक दे और मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे पे अटैक ही करने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा देर वेट करता हूँ, इफ ही फाइंड्स योर शी फाइंड अ वे आउट तो ठीक है, वरना फिर हाथ से ग्लव्स व्लव्स पहन के उठा के फिर बाहर करना पड़ेगा। देखते हैं बहुत देर, क्योंकि वो फंसा रहेगा तो वो क्या खाएगा पिएगा। वैसे पानी वगैरह हमने अभी के लिए रख दिया है, देखते क्या होता है। एनीवेज तो आज तो बहुत सारे काम थे, सुबह पहले वो पौधा लेने के लिए गए, फिर आए, फिर ये हुआ और अब फिर से बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं ना, एक तो काम है हमको प्रिंटर लेना है। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ही अंगद ने मुझे बहुत बार बोला था कि तुमको भी काम बहुत पड़ता रहता है, कुछ लेआउट्स वगैरह के भी मुझे चाहिए रहते हैं और कुछ मुझे काम के, इनफैक्ट यूट्यूब के लिए भी चाहिए रहता है, बहुत जगह साइन करना रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो वो सब में बड़ी दिक्कत हो रही थी उसको स्कैन करने में। बहुत बार अंगद ने बोला और मैं ना टाल देती थी क्योंकि प्रिंटर ना बड़े बड़े साइज के आते हैं और मेरा जो रूम है स्टडी रूम, वहां पे मैंने प्रिंटर का कुछ ऐसा स्पेस सोचा नहीं है, तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास। अभी रखना पड़ेगा तो डेस्क के ऊपर रखना पड़ेगा, वो मैं चाहती नहीं थी क्योंकि वहां बैठ के अंगद काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ कई बार, पर अभी बहुत जरूरत पड़ रही है इधर से, मैं बहुत परेशान हुई उस वजह से। तो फाइनली लेने जा रहे हैं प्रिंटर, देखते हैं छोटे साइज में ना, जितना छोटा पॉसिबल हो सके। स्कैनर नहीं चाहिए मुझे, उसमें इनबिल्ट ना भी वो चलेगा, बस प्रिंटर मिल जाए बोल के हम लोग कैनन ना कैनन सोच रहे हैं। कैनन का एक पसंद आया है तो ऑनलाइन देखा है, अब जाकर के देखते हैं दुकान पे है नहीं है कहीं पे अवेलेबल। हाँ ऑनलाइन ना सब जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो गया लगता है मुझे, इस लॉकडाउन सब में ना इसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, काफी लोग होम ऑफिस बनाए हैं उसकी वजह से। तो जब डिश वॉशर लेने निकले थे हम लोग 2020 में, तभी भी यही हालत थी कि डिश वॉशर एकदम आउट ऑफ स्टॉक था मार्केट से, और अब प्रिंटर लेने निकले तो प्रिंटर ऑनलाइन कहीं मिल नहीं रहा हमारे पसंद का। देखते हैं एक दूसरे का जाएंगे, देखते हैं पसंद आया तो आज के आज ले आएंगे और फिर देखते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं, जगह तो बनानी पड़ेगी। रिलायंस डिजिटल ये तो बंद है, एक्चुअली हमने देखा ना वेबसाइट पे तो ओपन बता रहा था सारे ही, तो ये वाला क्यों बंद है पता नहीं। अब यही बंद है कि सारे ही वाले बंद है लेआउट के, पता नहीं, देखते हैं कहीं और ट्राई करते हैं। एक तो जगह जाएंगे नहीं हो पाएगा तो वापस वीकडे को, क्या दिक्कत है ना, वीकडे को फिर अंगद को टाइम नहीं, शाम को फिर निकलना पड़ेगा, देखते हैं फिर वीकडे को आएंगे। Not forget to take your vaccine on your turn. For more information, call 1075 or visit www.mohsw.gov.in. Namaskar. Let us unitedly work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next... Yes? Yeah, I just wanted to know, is the showroom open today? No, sir. It is closed. आज तो नहीं हो पाएगा लग रहा है, सब भी कुछ बंद है इधर। HSR में भी एक भी शॉप खुला नहीं है सिवाय टेक अवेज वाले जो रेस्टोरेंट है ना, वही सब खुले हुए, कुछ भी खुला नहीं है। तो आना एकदम ही हमारा व्यर्थ हो गया, पर कोई नहीं, इस चक्कर में हमने सुबह सारा काम निपटा लिया तो घर ही चलेंगे। पहले जैसा टाइम होता तो कहीं बाहर कुछ खा पी लेते लेकिन नहीं, इसलिए घर से मैं पहले ही बना कर आई हूँ कि बिल्कुल भी ध्यान में ना जाए कि कहीं कुछ खाना है रुकना है, घर ही निकलेंगे। पर अंगद जी फिर भी ट्राई कर रहे हैं, इनका मन नहीं मान रहा है, फिर वही करेंगे ना, वीकडे को निकलेंगे शाम को, शाम को भी खुला रहता है टिल 8 PM, तो रात शाम को निकलेंगे, है ना, क्या कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड में अंदर में उस तरफ है, मिस हो गया क्या, देख लेते हैं एक और लास्ट घर पे रिटर्न क्या है उसमें। आज का मौसम इतना अच्छा है ना,
धूप भी है बादल भी है, मतलब बहुत कड़क वाली धूप नहीं है, इसलिए हमने ये सनरूफ भी खोल के रखा है कि थोड़ा बहुत धूप आए, पर उतनी भी कड़क नहीं है कि एकदम हालत खराब हो जाए। तो बड़ा अच्छा मौसम है घूमने फिरने के लिए। वो रहा लाइट्स बंद है, हाँ ये भी बंद है। चलिए तो हो गया डिसाइड, फाइनली सब कुछ बंद है, घर चलते हैं। बनाना कहाँ गया? चला गया अंगद, निकल गया। वाह, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा। यस, निकल गया। चलिए कबूतर को आखिर रास्ता मिल गया है, कहीं से तो उनको दिख गया रास्ता। मुझे लग रहा है इधर से ही गया होगा। प्लान सक्सेसफुल रहा? हाँ सक्सेस रहा, एकदम सक्सेस रहा। नहीं है बेचारा, कितना कष्ट काटा है, भाग गया है। डर भी गया था, ऊपर भी नहीं है ना, हम लोग आ गए ना तो और सहम गया हुआ। हाँ पैक कर दो। चलिए मैं सोच रही थी अभी नहीं निकला होगा तो हाथ से निकालना पड़ेगा। आओ, हाथ कट गया, छिल गया। अब नहीं आएगा, काफी बंद हो गया। बटर। आज हमारे किचन में बहुत ही स्पेशल चीज हो रही है। आज अंगद जी बना रहे हमारे लिए केक। बनाना केक बन रहा है और वो भी हमारे नए अवन पे। तो आज जाकर के पहला दिन है जब हमारा उद्घाटन होने वाला है अवन का, एक्सपेरिमेंट। हाँ लोग डाल रहे हैं, एक तो वॉलनट डाल देंगे ऐसे ही क्योंकि अच्छा आएगा बाइट। ये अंगद ने मंगाया है सिलिकॉन का, ये ब्रेड बनाने के लिए मंगाया है एक्चुअली, तो ब्रेड वाले में ही हम लोग ये बना लेंगे। और ये पेपर लगा दिया है तो इतनी तैयारी जो है ये कर ली है। और यहाँ पे ये क्या है अंगद? ये एक कप व्हीट फ्लोर, एक कप मैदा, उसको मैंने सीव करके रख दिया है। चीनी, बटर और साथ में एग, इतनी चीजें लगने वाली है। और हमारा बनाना भी रेडी है, एकदम पका हुआ बनाना लेकर के बना रहे हैं। कोशिश यही है कि सक्सेसफुल रहे। वैसे ओवन तो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है तो उसमें मेरे को कोई शक नहीं है, बस ये चीज में मेरे को थोड़ा बहुत शक है कि ऐसा सब जाएगा। इतना प्यारा क्लाउड आया हुआ है, ये वाला पोर्शन ना इतना सुंदर लग रहा है ना, कैमरे पे जैसे लग रहा है ना रियल में और भी प्यारा लग रहा है। शायद हो सकता है बारिश हो। ये रहा हमारा बनाना, तो इसमें एकदम पका हुआ बनाना लगता है इस केक में, तो हम ऑलरेडी पका हुआ बनाना ही लेकर के आए हैं। इसीलिए जब तक पूरा ये वाला देखो इतना थिक ना हो जाए ना फ्रॉथी, उसके बाद ही दूसरा वाला एक डालना। थोड़ा सा हम लोग सिनेमन डाल रहे हैं, थोड़ा सा ही डाल रहा हूं मैं। हाँ ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है वरना। हाँ, बहुत स्ट्रांग, मतलब एक पिंच, बस एक पिंच से थोड़ा ज्यादा बस। और ये रहा एक बनाना, इसको मैश कर लिया है और ये गया अंदर बनाना। ये मेरे को तो टेम्पटिंग लग रहा है ना सोच रही हूँ कि बनाना केक मेरा फेवरेट केक है। कितने टाइम से हम लोग? अच्छा ये बताओ, ये जो बनाना केक मार्केट का खाते हैं उसमें रेशा रेशा कुछ आता है ना ब्राउन कलर का, तो वही है, यही है बनाना ही है मेन, इसी से आ जाता है। एकदम स्मूथ तुम मिक्सी में कर दोगे। हाँ। तो रेशा रेशा नहीं आएगा। अच्छा ऐसे करोगे, हाथ से कर दोगे तो रेशा रेशा, तो रेशा वाला मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा ऊपर ड्रेसिंग के लिए नहीं रखोगे? ओ तुमने बोला डाल दो, अरे तो निकालो कोई नहीं, ऊपर अच्छा लगेगा दिखने में। अंकल तुम बेकर हो गए? नहीं बेकर हो गए तुम? नहीं तो बेकर, ये मेरा फेवरेट साउंड टिंग। इसमें कुछ नहीं रखा है मैडम, बहुत अच्छा। अरे यार मैं तो जब से ओवन आया है मैं रोज टिंग टोंग बजाती हूँ इसका, किचन में खेलती रहती हूँ। काम क्यों नहीं करती क्या है? मेरे को ये सवाल, हाँ मैं ये टॉपिक निकालना चाहता हूँ एक मिनट। हाँ जी, जो साइकिल में वो जो ट्रिंग ट्रिंग आता है वो तुम अपने बगल में क्यों नहीं रखती हो? तुम्हें एक गाना याद आ गया मुझे उससे। हाँ। मैं साइकिल से जा रहा था
उन्हें रिक्शे से आ रही थी, किया टिंग टिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना, किया टिंग टिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। हो गया आंग दब, बस बस डाल दो बेक करने को, हो गया, बहुत हो गया। करना है? हाँ करना है, थोड़ा सा करे। ये रहा, बहुत टेस्टी है, खा के तुम बताओ। मैं किया टेस्ट, अच्छा लगा, ठीक है। अब हम बहुत ही यम्मी है, अब इसमें पोर किया जाएगा, इसको यहाँ रख दो। इसमें पर डायरेक्टली पोर किया जाता है कि बटर से ये? हाँ, इसको बटर बटर लगाया जाता है। हाँ। सही है। हाफ से शुरू करना था, नहीं आया। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये ढिंके चिका है, ढिंके। आज बारिश हो रही है और अंगद भी चाहते थे कि जब ये केक बने तो मौसम अच्छा हो जाए, तो बारिश वाले मौसम में केक खाएंगे, और अभी बारिश शुरू हो गई है। केक रेडी होने वाला है और अब मैं ट्राई करके देखूंगी कैसा है, और क्योंकि आज हम ओवन यूज कर रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया है। बहुत दिनों के बाद बाहर से घर में खाना आने वाला है, और उस पिज्जा को हमने डिसाइड किया है कि ऐसे ही ओवन में थोड़ा सा हीट कर लेंगे। वैसे तो इसके लिए माइक्रोवेव चाहिए, पर हम अपना ओवन से काम चला लेंगे, तो गर्मा गर्म पिज्जा हो जाएगा हमारा डिनर में, बारिश में मजा आएगा, और केक तो स्वीट डिश में है ही। तो इन शॉर्ट आज का जो संडे है वो बड़ा ही अच्छा हो गया हमारा दिन। क्या मस्त दिख रहा है यार, परफेक्ट। तो ये हमारा बन गया केक, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग। अब इसको अंदर से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा। मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि जब तक ठंडा हो मैं टेस्ट करूं, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया और ये इतना टेस्टी बना, तो मैंने कहा आपके सामने टेस्ट करती हूं। ये बिल्कुल वैसा है, मैं जरा सा भी 1% भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैं बाहर से खरीद के खाती थी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये इतना यम्मी बना ना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा। ऊपर का लेयर खाया मैंने, एकदम क्रिस्पी और मजा आ गया। कितना क्रिस्पी है देखो, ये देखो, वाह, कितना सॉफ्ट। थैंक यू। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा पानी डाल दो तो और अच्छा लगेगा। तो कभी अपना केक एंजॉय कर ही रहे थे, और और लाइट चली गई, और लाइट ऐसी गई है कि पता नहीं क्या हो गया, डीजी भी ऑन नहीं हो रहा है, पूरा अंधेरा है, और बाहर जोरों की बारिश हो रही है। आपको तो दिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, पूरी जोर से बारिश हो रही है। तो क्यों दिखा रही हो जब नहीं दिखेगा? आपको दिखेगा नहीं, तुम श्योर हो, फिर भी दिखा रही है? पता नहीं, ये देख के आपकी ब्लॉगर है, ये दिखेगा नहीं 100% श्योर के बावजूद भी कोशिश में लगी हुई है, इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है।
अंधकार में भी पॉजिटिविटी। पूरा ट्राई कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत अंधेरा है। तो हम लोग अपना केक एंजॉय कर रहे थे, बहुत मजा आया इस, और अंधेरा हो गया, और लकीली बन गया केक। अगर अभी कटता लाइट तो ओटीजी बंद हो जाता। तो कैंडल लाइट डिनर नहीं, हमने कौन सा डिनर किया अंगद? आज हम लोगों ने मोबाइल लाइट डिनर किया। डिनर नहीं है ये, मेरा तो पेट भर गया यार। अब पिज्जा जो आ रहा है पता नहीं क्या होगा उसका, और पिज्जा भी क्या ही आएगा इतनी बारिश में। आ जाएगा, आएगा। ये जलाओ ना, कैंडल जलाओ यार कुछ, इतने सारे तो है हमारे पास। कैंडल अभी खोजना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। कैंडल तो है ना, वो रहा। लाओ लाओ लाओ, आज उसका मुहूर्त निकलेगा। कैंडल जलाया जाए, और इस केक को मेरी नजरों से दूर करो, क्योंकि ये मुझे फिर से बुला रहा है। आओ आओ सोना, दिख रहा है अंगद जी? हाँ। लाइटर का है अंदर 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 उसमें, ये ऐसे पकड़ने में ऐसा लग रहा है मैं शोले के मूड में हूँ। शोले जलाते रहते थे, मिलेगा तब ना। हाँ उधर ही है बाबा रे, कुछ नहीं दिख रहा। ओ हो, बहुत बिजली चमक रही है। ये पूरा गुमनाम अंधेरा वाला व्लॉग बन गया है। गुमनाम है कोई, इसी बहाने इसका इस्तेमाल तो हुआ। बदनाम है कोई, ये ऑन करते ही आ गया, बताओ बेचारा मुश्किल से। उसका नहीं है मुहूर्त ऑन करने का, जब से लिया है मैंने वो ऑन ही नहीं हुआ। और केक भी है, अरे वाह वाह। ये केक चाहता था कि मोमबत्ती जले।